देखो लोकेशन के मजे लेते हुए चल रहे हैं हम लोग। कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाने वाले हैं? राजस्थान। फैमिली गुड मॉर्निंग। तो शादी ब्याह पूरा सब निपट चुका है और शादी ब्याह के झंडे से हम लोग अब बहुत दूर हो चुके हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि पीछे मैं कहाँ चल रहा हूँ। आज ना मौसम काफ़ी खुला हुआ है और काफ़ी सही हवाएं भी चल रही है। तो हम लोग निकल चुके हैं सभी के सभी भाई लोग। कहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को, हम लोग जा रहे हैं खेत पर। आज हम लोगों का लास्ट डे है गाँव में, मतलब कि हम लोग वेडिंग वगैरह के लिए आए थे तो आज है संडे मॉर्निंग, मतलब कि हमारा लास्ट डे। और आज है डेट कितनी है, 3 जनवरी, मतलब कि संडे का दिन और हमारा आखिरी दिन गाँव में। तो हम लोग सभी के सभी निकल चुके हैं। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को नितिन भाई से मिलवाता हूँ मैं, जिनके हाथों में हमारी पतंग है जो कि हम लोग खेत पे उड़ाने वाले हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। देखो सर के पास हमारी पतंग है। क्यों, आज तो पतंग उड़ाने वाले हैं खेत पे फिर हमारे? तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखते रहो। और एक और भाई चल रहा है कृष्ण पाल, जिसके हाथ में हमारा खाना है जो कि हमारी खेत छोटी पिकनिक जो होने वाली है उसके लिए हम लोग लेके आए हैं। कृष्ण पाल भाई खाना वाना दिखा दो जरा। देखो ये रहा हम लोगों का खाना जो कि हम लोग खेत पे अभी खाएंगे, ठीक है। और हम लोगों के साथ में गोपी भी है। देखो गोपी शेडो जो डोगी आप लोगों को मैंने दिवाली के टाइम दिखाया था उसको भी हम लोग लेके चल रहे हैं। ये देखो पीछे पीछे चल रहा है और इसको ले जाने वाले हैं हमारे एयरमैन धीरज भैया। देखो ये तो आज हम लोग काफ़ी सारा फन करने वाले हैं खेत पे और साथ में पंकज भैया भी है जो अभी कॉल पे बिजी है, तो इनसे आप लोगों को बाद में मिलवाऊंगा, ठीक है। तभी चलते हैं खेत पे और देखते हैं क्या सीन होगा, कितना मज़ा आएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए। हम लोगों ने जो है आर्मी मैन की शादी को पूरा इंजॉय कर लिया है और अब हम लोग जो है खेतों के बीच में नेचर को महसूस करते हुए जो है मज़े करने के लिए अपने खेतों पर जा रहे हैं, जहाँ पर आज हम लोग छोटी सी एक पिकनिक करेंगे भाई सारे के सारे। अभी रवि भैया भी जो है वो आ रहे हैं पीछे, उनको कुछ काम था इसलिए वो रुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाला है और बाकी मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है आज, हल्की हल्की सी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश आ जाएगी। बाकी अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है बारिश का, मतलब कि पानी वानी आ रहा हो, ठीक है। तो चलते हैं खेतों पर और काफ़ी सारा फन करेंगे आज हम लोग। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब चिल्लो। टीवाई ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करना। बाकी अभी चलते हैं खेतों पर और देखते हैं क्या सीन होता है। हम लोग खेतों की तरफ बढ़ते हुए, तो चलिए अब जरा धीरज भैया और इनसे पूछते हैं कि जरा अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप होगी वो कहाँ पे होगी और हम लोग कहाँ पे क्या जाने वाले हैं जब हम लोग वापस से सब लोग साथ में मिलेंगे। तो चलो भैया से पूछते हैं लोग नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाने वाले हैं। राजस्थान मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है क्योंकि बहुत सारे फोर्ट है तो लोकेशन काफ़ी सही है। तो नेक्स्ट टाइम कभी नेक्स्ट टाइम अपकमिंग लीव के टाइम क्योंकि वैसे भी टाइम हाँ तो अब नेक्स्ट हॉलीडे में ही पॉसिबल हो पाएगा, बट हाँ नेक्स्ट लोग उसी पे आ सकता है कभी भी। ये देखो गाइस रवि भैया भी निकल के जा रहे हैं बाइक से सुपर होंडा। क्या हो गया तो शेडो हमारा ऊपर प्रस्थान करते हैं। तो शेडो को अब हम लोग जो है ऊपर बिठा रहे हैं, देखो कृष्ण पाल के साथ में। सर अपन खेत पे जा रहे हैं, मूवी बनाने नहीं जा रहा, तो ये टिप टॉप बन के आया बिल्कुल है। ये स्प्लेंडर नहीं हीरो है यार, ये तो हीरो के दीवाने और हीरो बैठ चुका है। सर मिलते हैं खेत पे। सर लोकेशन के मजे लेते हुए चल रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है कि जंगल के से निकल रहे हैं। दो तो पहले ही जा चुके हैं आगे बाइक पर बैठ के और शेडो भी उनके साथ में चला गया है। तो हम लोग पहुंचते हैं फटाफट से, उसके बाद धमाल करेंगे और कुछ काम भी करेंगे। देखो मेरे साइड में जो खेत आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये अलसी का खेत है। देखो आप लोगों ने क्या देखी ना हो, ये अलसी बोलते हैं इसको। देखो मस्त एकदम हरा हरा खेत है पूरा वहाँ तक।
क्या करते हैं क्या खाते हैं मेरे को क्या पता यार, अलसी का खेत है बाकी ये पता अपने को तो बस। सो गाइस हम लोग अभी बस खेत पे पहुंचने ही वाले हैं और आज हम लोग जो है खेतों के बीच में से पतंग उड़ाएंगे तो अलग ही एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। आप लोग भी फर्स्ट टाइम देखोगे कि किस तरीके से खेत में खुले आसमान में पतंग उड़ाएंगे आज हम लोग। तो चलते हैं अभी वो करते हैं मज़े। ये दूसरे का खेत है और यहाँ से गेहूँ वाला खेत जो है यहाँ से अपने खेत स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से जितना भी आप लोगों को पीछे तक दिखाई दे रहा पूरा अपना इलाका है, ठीक है, जिसमें अभी गेहूँ उग रहा है। आगे भी मैं दिखाऊंगा कि हम लोगों ने खेत पर क्या क्या उगा रखा है। हम लोगों ने धनिया मिर्च और पता नहीं क्या क्या उगा रखा है, काफ़ी सारा मतलब ताज़ा ताज़ा खाने को मिलता है रोज़ रोज़ गाँव में तो, और बाज़ार में तो हम लोगों को रोज़ लेके आनी पड़ती है जिसमें भी पता नहीं कितने दिन की बासी होती है। तो आप लोग भी अगर गांव से हो तो कमेंट करके बताओ कि कौन कौन गांव से है। हम लोग तो देखो देसी है गांव से है हम लोग तो, ठीक है। तो अभी चलते हैं और दिखाता हूँ आप लोगों को फसल क्या रहा, वो जो सब्जियाँ रेगुलर काम आती है वो तो हमने पीछे घर के पीछे ही। हाँ घर के पीछे ही हम लोगों ने इतनी सारी सब्जी उगा रखी है जो मतलब हम लोग डेली यूज़ में आराम से कर सकते हैं, मतलब जिनको हम लोग खा सकते हैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी तोड़ के। फसल दिखाता हूँ मैं, देखो ये जो आप लोग फसल देख रहे हो इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताओ। ये भी एक फसल है पता नहीं कौन सी है, मैं आप लोगों को पता करके बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों को इस फसल का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके दिखाओ, वरना फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये कौन सी फसल है, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं खेतों पर और ये देखो अपनी बाइक यहाँ पर भैया ने खड़ी कर दी है, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या सीन क्रिएट होता है, कितने मज़े आते हैं आज। अपना खेत जिसमें अभी उग रही है मसूर की दाल, ठीक है, और ये साइड में गेहूँ, ये है आगे जाने का रास्ता। और ये देखो हरा हरा बिल्कुल ताज़ा धनिया उग रहा है, तोड़ के मस्त खाओ। फाइनली पहुँच चुके हैं और मेरी आवाज़ में आप लोगों को थोड़ा इको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है साइड में कुआँ है जो कि भरा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अरे गिर जाइए। सो गाइस चलते हैं आगे, ठीक है, और बताता हूँ आप लोगों को कि आगे क्या मजे आते हैं हम लोग। हाँ क्या हो गया, गोपी तो थक के बैठ चुका है, आगे अभी हम लोग चलते हैं आगे। बड़े भैया भी आराम कर रहे हैं, देखो ये यहाँ रेडी होके आए और ये देखो यहाँ सो चुके हैं। सर सर तो आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोगों को मैं आज बताता हूँ कि क्या हो गया। हाँ तो आराम ही कर रहे हो तुम लोग और क्या कर रहे हो, देखो आराम तो कर ली। हाँ तू भी आराम कर। हाँ मैं तो आराम, मैं भी आराम कर। देखना वो इधर फोन चला रहा है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो है खेत पर प्याज वगैरह किस तरीके से उगाए जाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले तो साइड में ये रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ कि प्याज किस तरीके से उगाए जाते हैं। देखो ये जो है कण है प्याज की छोटी छोटी जिसको यहाँ पे देखो धीरज भैया उखाड़ रहे हैं अभी। ये पहले उगाई जाती है, ठीक है, और इसको जो है वापस से फिर से बोया जाता है जिससे कि ये अच्छे प्याज उगे। ये देखो इस खेत में ये उग रहे हैं, ठीक है। ये सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक मतलब खेत वगैरह कभी देखे ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो है प्याज कुछ इस तरीके से उगाए जाते हैं जो कि अभी धीरज भैया और मामी वगैरह ये जो है उखाड़ रहे हैं ताकि इनको फिर से अच्छे से बोया जाए और काफ़ी मस्त से प्याज उभर कर ऊपर आए। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखो इधर धनिया भी उग रहा है साइड में, ये धनिया हरा हरा जो काफ़ी ताज़ा है, आराम से तोड़ के इसको खा सकते हैं अपन। तो हम लोग अभी मज़ा कर रहे हैं। बाकी पंकज भैया ने इधर एक कांड कर दिया है, जो पतंग की कांप थी ना बीच वाली जो रिप होती है वो तोड़ दी है भैया ने। कहा है वो टूटी हुई पतंग, ये देखो गाइस भैया ने पतंग तोड़ दी है, मतलब हमारे पास एक ही पतंग बाकी है तो देखते हैं। टूट जाएगी। मत कर रिकवर करूंगा। सो गाइस देखो नितिन भैया जो टूटी पतंग है उसमें टेप लगा रहे हैं और मैं आराम से खा रहा हूँ ये। हाँ तुम भी लो। भाई उधर मत उड़ाना फूल लग जाएगी। गोपी भाई देखो गाइस गोपी से मिल लो। देखो गाइस रवि भैया जो है पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिन जो कि उनसे उड़ नहीं रही है। अब यार गांव में तो ऐसे ही मिल रही है यार, हम लोग क्या करा। ये देखो गाइस भैया पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ना भी उड़े क्योंकि पतंग जो है वो थोड़ी ऐसी है।
ये गाइस ये तो फाड़ दे लो, कर दे कांडी कर दे हम। पंकज भैया पूर्ण कोशिश कर रहे हैं इस पतंग को उड़ाने की जो कि अभी क्रैश हो गई थी। ये देखो गाइस हमारी पतंग जो है हवा में उड़ चुकी है। ये काटने वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ। ये देखो गाइस कितनी मस्त तरीके से उड़ रही है। ये गई ये प्लेन क्रैश हो गया, गाइस हम लोग के पास रील नहीं है। देखो गाइस हम लोग इस गोदड़े से उड़ा रहे हैं, गोदड़े से मोटा गिट्टा देना वो इसको सही कर सकता हूँ। ये डॉक्टर बनेगा सर बढ़ाओ के, ये सही कर सकता है इसको। उड़ाने का सफल प्रयास कर रहे हैं इधर पंकज भैया। और कहाँ तक जाओगे सर? दोनों एक तरफ जूनियर एक तरफ सीनियर। हाँ ये सीनियर इस तरफ और ये जूनियर इस तरफ। ये प्लेन फिर क्रैश इस साइड। जगह चेंज करके देखते उधर जगह सही नहीं है। ठीक है जगह चेंज करके देख। सो गाइस अब देखो मैं पतंग उड़ा के देखूंगा तो क्या हर गोदड़ा है वो लगता है क्या। आज देखो पंकज भैया उड़न की दे रहे हैं उधर उस साइड से, ठीक है, और मैं इधर से अब पतंग उड़ाने वाला हूँ। हम लोग सब खाना खाने बैठ चुके हैं। देखो ये हम लोगों ने खाना अपना अपना ले लिया है, पीछे शेडो बैठा है और कृष्णपाल अभी जरा पानी लेने गया है। तो हम लोग अब जरा खाना खाते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या है। देसी मिर्च और इधर दाल, ठीक है। खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने तो मैं भी खाता हूँ फटाफट। सब हम सब लोगों ने खाना खा लिया है। देखो वो एकदम यहाँ पे अभी, और रवि भैया अभी चाय लेके बैठे हुए, सबको चाय देंगे, सब चाय पी लो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया अभी सब लोगों ने साथ में बैठ के खाना खाया। यहाँ पे पूरा टिफिन खाली हो चुका है, ये कुरकुरे पड़े हुए हैं और यहाँ से ताज़ा प्याज काट के हम लोगों ने खाया अभी, ये दाल का और ये पेपर उड़ रहा है। गाइस एकदम पिकनिक का माहौल, देखो सब लोग चाय पी रहे हैं बैठ के। ये हेलो गाइस चाय पी लो। ये एकदम प्लेट में चलने दे रहे सीधा सीधा पी भी सिप ले रहा छोटा छोटा सिप। हाँ थर्मस में चलने दे अपने। सो गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। काफी ज्यादा मजा आया। चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर देना। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहो तो कह सकते हो क्योंकि व्लॉग एंड होने वाला है अब। टाटा बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय।